Assalamu alaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourists. Ji, mere saath. हाँ जी, क्या हाल है? मेरे साथ हैं माजिद साहब. और आज व्यूअर्स आप कहेंगे कि भाई ये क्या वीडियो, लेकिन बिल्कुल देखें, मोटर बाइक चलाने का मैं तरीका बताऊंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल पे वीडियोस देखते हैं जो बच्चे हैं या नए राइडर्स हैं, तो उनको स्टेप वाइज मैं चाह रहा था कि मैं गाइड करूं कि बाइक को कैसे चलाना है, एक किस्म का इंट्रोडक्शन कराना है. तो साथ मेरे माजिद साहब होंगे जो असिस्ट करेंगे, जिनको मैं बताऊंगा और वो बताएंगे. अगर काइंडली, मेरा ख्याल था माजिद साहब कि मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को बता भी दूं कि कैसे, अगर आप इसे काइंडली डबल स्टैंड पे पहले लगा दें, हेलमेट लगा रहे डबल स्टैंड पे. एक मैं थोड़ा सा व्यूअर्स बता दूं कि जी माजिद साहब अभी बाइक खड़ी करने का वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे. मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल जैसे बाइक होती है. और व्यूअर्स ये समझें कि आपको मैं बता रहा हूँ, होंडा CG125 या होंडा CD70 बिल्कुल एक तरीके से चलती हैं दोनों मोटर बाइक्स. और जैसे, क्योंकि सिंपल है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो नया यूज़र है वो होंडा या कोई भी चाइना 70cc में इसको सीखे. अच्छा व्यूअर्स, समझें कि यू मोटर बाइक खड़ी हुई है आपकी, और चाबी, जाहिर है चाबी, अब साइड लॉक आपने सबसे पहले खोलना है, जो कि इसमें तो खैर माजिद साहब ने थोड़ा स्पेशल किस्म का, माजिद साहब अगर ये खोल के दिखाएं, ये भी कभी मैं बताऊंगा, स्पेशल लॉक CG125 पे लगाए, वरना नॉर्मल व्यूअर्स आपका ये लॉक होता है. और यहाँ से लॉक आपने खोलना है, और उसके बाद आपने क्या करना है व्यूअर्स, के इसकी लगा देनी है. यहाँ पर होती है चाबी माजिद साहब, अगर बस अभी वो ना ऑन करें इग्निशन. और फ्यूल की पोजीशन का मैं बताऊंगा व्यूअर्स कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि फ्यूल का ये है, जिससे कि रिज़र्व भी इस पोजीशन में हो तो ये फ्यूल क्लोज हो जाता है, इस पोजीशन में हो तो फ्यूल रिज़र्व पे होता है, और इसको नीचे कर दें तो फ्यूल ओपन होता है. आपने ये सबसे पहले देख लेना है कि ये इस पोजीशन में है. अगर फ्यूल अगर कम हो तो फिर जाहिर है ये रिज़र्व पे चलेगी, ये जहन में रखें. ये ना हो कि फ्यूल रिज़र्व पे और आप कहें कि जी मैंने बताया था यहाँ पे, बहरहाल क्योंकि इस पे काफ़ी फ्यूल है. अच्छा जी व्यूअर्स, उसके बाद ये करना है कि आपने इसका स्विच ऑन कर देना, ऑन कर देना, और न्यूट्रल होनी, क्योंकि मेरे ख़्याल है ये देखें न्यूट्रल लाइट है ये निशानी, अगर गियर में होगी तो न्यूट्रल लाइट नहीं आएगी. और उसके बाद आपने क्या करने व्यूअर, माजिद साहब मैं चाहूँगा कि आप अगर हेलमेट पहन लें और साथ साथ अगर आप व्यूअर्स, ये मैं ज़रूर बताऊँगा कि हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, चाहे थोड़ा सा भी हो या जो कहीं बिल्कुल. मैं तो यही कहता हूँ, बाइक पे बैठे भी तो हेलमेट पहन के, मेरा ये असूल है. अच्छा व्यूअर्स, इग्निशन लगाया, उसके बाद आपने माजिद साहब अगर किक आप ओपन करें, ये बाइक स्टार्ट हो गई. अच्छा अब मैं यानी इधर से आगे बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद आपने क्या करना है व्यूअर्स के, ये इसके गियर्स हैं, ये गियर्स हैं, और होंडा या कि 70cc चाइनीज़ और जो भी, सारे गियर्स अगली पोजीशन में लगते हैं. एक सेकेंड अगर माजिद साहब थोड़ा बंद करें, मैं थोड़ा अगर बता दूं कि व्यूअर्स इनके गियर लगते हैं, ये लगेगा माजिद साहब अगर फर्स्ट लगाएं, ये फर्स्ट लगता है, और सेकेंड भी यूं ही लगेगा, सेकेंड, और इसी तरह 3, 4 या 5 गियर्स भी होते हैं. और जब आपने गियर निकालने, उसके दो तरीके हैं. एक तो तरीका ये है कि अगर आप चाहें तो ये नीचे से भी पाँव यहाँ डाल सकते हैं. दूसरा तरीका ये कि आप देख रहे हैं कि लिवर, अगर थोड़ा सा पाँव अगर माजिद साहब हटाएं, मैं लिवर दिखा दूं कि ये डबल लिवर, आम जो बाइक्स हैं इनमें डबल, कईयों में सिंगल होता है, तो उसमें तो मजबूरी होती कि नीचे से उठाना, इसका डबल लिवर है. तो आप ये पीछे से भी पाँव रख के अगर थोड़ा काइंडली बताएँ कि इस तरीके से भी, जी बिल्कुल ऐसे गियर्स निकाल सकते हैं. तो उसके बाद अब मेरे ख्याल है दोबारा स्टार्ट कर लें, मैं व्यूअर्स को बताऊं कि कैसे मूव होगी. थोड़ा सा ये बता दूं कि ये क्लच है इसका, ये क्लच है, और ये अगली ब्रेक है,
राइट पॉम में पिछली ब्रेक है, और ये मैं बता दूं कि ये रेस है, थ्रॉटल जिसको आप कहते हैं, इसको आप जितना पीछे की तरफ करेंगे, घुमाएंगे यूँ, उतनी बाइक रेस होगी और चलेगी। और आपने क्या करना है कि बाइक अगर स्टार्ट, माजे साहब आप एक तो स्टैंड से उतार लें जी, बाइक स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ेंगे गियर में डाल के, फर्स्ट गियर में डाली और ये आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ेंगे और उधर से आहिस्ता आहिस्ता रेस देंगे और बाइक मूव होगी अगर जी। और इसी तरह थोड़ी जब तेज़ हो जाएगी तो सेकंड गियर भी डाल जाएगा और बिल्कुल व्यूअर्स यही तरीका होता है। और जब आपने आना है जहाँ स्लो करनी है, आपको ज़ाहिर है छोटा गियर में डालना है, बिल्कुल लो स्पीड के लिए या चढ़ाई के लिए फर्स्ट सेकंड गियर आपको चाहिए होता है। अब ये जैसे आए, अब ये इन्होंने रोकी और ये इन्होंने इसको न्यूट्रल कर लिया क्लच दबा के। आपने जब गियर यूज़ करना है क्लच दबा के करना है। और ये था व्यूअर, समझें कि पहला मैं चाह रहा था कि एक एपिसोड ऐसा बने जिससे बिल्कुल बेसिक, क्योंकि बहुत से बच्चे देख रहे हैं ये वीडियोस या नए राइडर्स, और ये समझें कि उस हिस्से का पहला एपिसोड था। तो व्यूअर्स मेरा ख़्याल है कि हेलमेट उतार लेता कि अच्छा जी। माजिद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस टाइप के प्रोग्राम्स हम करेंगे तो मुफीद हैं, इसके बारे में कुछ कहें? जी, इस टाइप के अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो काफ़ी मुफीद हैं बिगनर्स के लिए, जो अभी नए नए बच्चे हैं, जो अभी राइडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बाइक को कैसे चलाना है, सेफ्टी क्या होती है और क्या बेसिक्स हैं। बेसिक्स से स्टार्ट लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपको बेसिक्स बताई हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको इंशाल्लाह इससे प्रो लेवल आगे करके बताएंगे, फिर उसके बाद सेफ्टी के बारे में भी आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा इंशाल्लाह जी। व्यूअर्स, तो मेरा ख्याल है इसके साथ ही व्यूअर्स से इजाज़त लें। थैंक यू। मैं और माजिद साहब इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा जी, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।